फ्रेंड स्वागत है कि नई वीडियो में आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है रियलमी 5S Pro। तो मैं इसमें बात करने वाला हूं फ्रेंड कॉल वाइब्रेट डीएक्टिवेट कैसे करें, आज के वीडियो में यही सीखेंगे। और फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड आपको किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में, कोई सा भी एंड्रॉइड डिवाइस हो आप उसमें भी कर सकते हैं। मैं इसमें आपको दो तरीके बताऊंगा क्या क्या है दो तरीके। आप बीच में वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें, जब ही जाके फ्रेंड आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सर्च सेटिंग्स। तो आपको सर्च सेटिंग्स पे क्या लिखना है, यहाँ पे कॉल वाइब्रेट यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। जो भी फोन का सेटिंग जो है फ्रेंड आपको ऑलरेडी यहाँ पे फोन की सेटिंग्स मिल जाएगा बिगर नेट के भी। और मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, यहाँ पे साउंड पे क्लिक करना है, साउंड वाइब्रेट जो है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है वाइब्रेट फ्रॉम कॉल्स। तो इसको जो है ऑन ऑफ यहाँ से जो है आप कर सकते हैं, आप जो कि आप इसी तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड आज की वीडियो आपने सीख लिया है कि कॉल वाइब्रेट जो है डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने सीख ही लिया है फ्रेंड। और फ्रेंड किसी भी फ़ोन की डिवाइस जो कि सेटिंग की जानकारी चाहिए आपको, यूपीआई से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड या फ्रेंड गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।